परेशानी तुहाडे मुंह तो लगन दी कि किन्नी टेंशन है, पता नहीं पैदल आए हो या निच मारन तो पहले बार गए हो जे मुंह बण। कितना अरसा हो गया आपको थिएटर की दुनिया में? मैं परसों शुरू किया जी। मुंडे खुंडे जिहड़े आंदे ने सिर्फ इहो जी गल्लां सुनन वास्ते ही काफी लोग आंदे हुंदे ने एडल्ट, इह नहीं कि असीं वल्गर शुरू कर दईए। तुहाडा आइडियल कौन है? जिहड़ा भी अच्छा काम करदा ना मैनूं अच्छा लगदा। जनाज़े महफिल थिएटर में मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ कॉमेडियन नदीम चिट्टा साहब मौजूद हैं, जो चेहरे से तो चिट्टा नज़र नहीं आ रहे, वैसे बहुत खूबसूरत इंसान है, दिल के बहुत खूबसूरत इंसान हैं, और इनसे जानते हैं कि ये थिएटर की दुनिया में क्यों इन्होंने कदम रखा। वैसे जो हंसाने वाला काम है ये बहुत ही खूबसूरत है, लोगों के चेहरों पर जो खुशियाँ बखेरी जाती हैं, ये मैं कहता हूँ एक इंसानियत की खिदमत की जा रही है आज के नफसा नफसी के दौर में, जब हुकूमत कभी पेट्रोल बम गिराती है, कभी बिजली बम गिराती है। तो नदीम चिट्टा साहब बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं। कितना अरसा हो गया आपको थिएटर की दुनिया में? मैं परसों शुरू किया जी, 17 साल हो गए मैनू ये काम करदे हैं, तो बस पूरी कोशिश कर दी है कि पब्लिक एंटरटेनमेंट करे, इंजॉय करे। बाकी जिवें तुहाडे लई गल है कि नफसा नफसी दे दौर दे परेशानियां, 300 कतियां दा पेट्रोल, देखो ना परेशानी तुहाडे मुँह तो लगन दी कि किन्नी टेंशन है, पता नहीं पैदल आए हो या कितने, उहनू छड्ड दे, उहनू मुँह इन्ने च मारन तो पहले वार गए हो जे मुँह बण। अच्छा, तो यह वे कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए है और खालस एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। महफिल थिएटर में ड्रामा चल रहा डॉक्टर अजमल मलिक साहब, ठीक है, तो उन मैं पार्ट अदा कर रहा शहजादा गुलफाम का। सो दैट्स वाई ये कि साड़ी बेस्ट विश होंगे ने जी, हरदम के पब्लिक अच्छा और इंजॉय कर सके। अच्छा नदीम चिट्टा साहब, दसो कि एक रुझान हुंदा सी मैं ते जिहड़ियां फैमलियां सी बहुत ज़्यादा ड्रामिया जो रुझान हुंदा सी कि दौर आया कि फैमलियां दूर चलिया गई, फिर तुहाडी एक मीटिंग हुई, कोशिश की थी कि फैमिली ड्रामा प्रोड्यूस करना है, तो वो कोशिश किन्ना को रंग लैके आई है? सर गल ये कि गल हूँ कटना ना चैनल दिवचों गल मेरी, ठीक है ना, गल ये है कि जो यार दोस्त कले बहिंदे ने जैनुअन गल करनी है, तुसी जो चार यार दोस्त है टीन एज के मुंडे या व्याहे बंदे जो चार बहिंदे ने तो उदों अडल्ट गल्लां ही करदे ने, आर यू एग्री, ठीक है ना। तो वो अगर फैमिली विच मतलब के फैमिली ड्रामा जिहड़ा हुंदा ना वो एक होर चीज़ हुंदी है, ठीक है ना। तो चार ये मुंडे खुंडे जिहड़े आंदे ने सिर्फ इहो जी गल्लां सुनन वास्ते ही काफ़ी लोग आंदे हुंदे ने एडल्ट, इह नहीं कि असीं वल्गर शुरू कर दईए, वह नहीं जी। डबल मीनिंग जू मानी पंजाबी जबान ही डबल मीनिंग ही, ठीक है ना। तो ये कोई एडा इशू नहीं है। बाकी जो फैमिली ड्रामे ने वो अजोका थिएटर है, इधर भी होंगे ने फैमिली ड्रामे, इतने बकायदा सही होंगे ने, इतने घर तुम घरों घर चले जाओ जो बंदा बुढ़ी गालां कढ़न डे होंदे उदो तो सीधियां पैन डी होंदियां, समझ रहे हो ना गल्लां नूं। तो इस वास्ते ड्रामे वगैरह हो रहे हैं, उन्हें इन कोई एडा सीरीयस नहीं लिया जाना चाहिए कि भैया वेखो ए की कर रहे होंगे। तो इतने अगर तुम हर बंदे नूं वेखोगे ना तो मोबाइल च उन्हें तकरीबन यूसी ब्राउज़र उन्हें भी डाउनलोड किया होंगे और की कुछ होंगे सारे पता होंगे, एडा कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई जो कहे कि मैं बड़ा नीट एंड क्लीन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनू एडा परसनल नहीं लेना चाहिए, ये मतलब यह भी नहीं कि वलगर होना चाहिए, वलगर नहीं, एक जू मानी जिमें होया बड़े बड़े स्टारा ने किया इनफ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਆਈਡੀਅਲ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫੈਨ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹਿੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀਆਂ ਝਾੜ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੜਾਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ, ਟੋਕ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ੀਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਮ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀ ਵੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ,
मैं साफ कह रहा तो अगर उन्होंने उत्ते मिसाल के तौर पर साड़ी वड्डी सैलीब्रिटी मैं हूँ ना जफरी खान साहब के अगर परफॉर्म कर रहा हाँ नासर भाई के अगर कर रहा सुहेल साहब के अगर परफॉर्म कर रहा हाँ तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं गई तो मैंने हूँ तुम कहो कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम तो तू मैं तो कहंगा वार्ड तू पर सॉरी टू से मैं गलत लग मैं कहंगा जा पर तो इस वास्ते मेरा इस चीज़ से इंटरस्ट नहीं है जिते मैं नहीं करना मैं आप एंकर बन के बहंगा मैं आप एम ए किया सो दैट्स वाई देर इज़ वेरी बिग रीज़न जो ड्रामा है आवाम वेखन वास्ते आए तुहाडा किरदार एक दूल्हे का किरदार है और केरी केरी कास्ट है की स्टोरी है थोड़ी जी दसोगे ये जी डॉक्टर अजमल मलिक साहब का ड्रामा जी इश्क जिंदाबाद ठीक है जी इन्दे विच रजी खान साहब ने साकी खान साहब ने तौकीर है उस तो बाद अल्लाह ताला अजीम विकी साहब ने कुड़ियों के आफरीन परी है दीदार है और भी बहुत सारे ने अपने आप मजीद जरीफ साहब इशारा करी जा रहे हैं मैं भी हाँ ए भी है इन ठीक है ही इज़ द लैजेंड ऑफ द थिएटर सो ही इज़ अयूब मिर्जा ही इज़ आलसो परफॉर्मिंग इन द ड्रामा सो बहुत अच्छा ड्रामा जी मज़ेदार है तुम लाफ्टर सुन रहे हो इससे बाद मैं कोई पढ़ा लिखा कॉमेडियन मिले है तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है मैं कि इस फील्ड च भी पढ़े लिखे लोग जी अलहमदुल्ला पढ़े लिखे लोग हैं तो जरूरी देखो शऊर का तल्लुक पढ़ाई नाल नहीं होता ठीक है ना कैसा लफ्ज़ में क्या शऊर का तल्लुक पढ़ाई ना अनपढ़ बंदा भी बड़ी बड़ी अच्छी गल करता और बेपनाह करता अगले ने उन्होंने पंचायतें मकाती अनपढ़ बंद ने गल करके ठीक है जी तो असल गल ये शऊर वो रब वालों भी होंगे और उनके लिए तुसी एफर्ट भी कर दियो अच्छी गल तुहानू लभ जे तुसी उहदे ते अमल करोगे लास्ट गल नदीम चिट्टा साहब ने अज तक जो हासिल करना सी कर लिया कि कोई ख्वाहिश हैगी है कोई मंजिल जिहड़ी अचीव कर अलामा इकबाल साहब कहिंदे ने सितारों से आगे जहां और भी है सो दैट्स वाई मैं लगा वहां कुछ नहीं मंजिलां मुंजिलां अजे बहुत दूर ने अजे ते बस जिथों तक पहुँच गए यह भी बड़ा उजाद का करम है बहुत शुक्रिया नदीम चिट्टा थैंक यू जी जी नदीम चिट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बातें की थिएटर की अंदर की उन्होंने बातें की और अपने कैरियर के हवाले से उन्होंने हमें बताया इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ कुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त अल्लाह ने के बाद